Hello my friends, and how is your IELTS training going on? मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियोस आपको लिसनिंग में भी हेल्प कर रहे हैं. लेटेस्ट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया था हाउ टू हैंडल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसका पार्ट टू भी बहुत जल्दी माय डियर अपलोड हो जाएगा. उसमें आप डिस्कस करेंगे वो वाले क्वेश्चंस जिसकी ऑप्शंस काफ़ी लंबी होती हैं. लेकिन आज की ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी. ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनी है हमारे सब्सक्राइबर की, जो चाहते हैं कि हम आपके साथ डिस्कस करें सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन टाइप. जी हाँ, यही है वो सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उनको कंप्लीट करने के लिए एक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शंस दिए होंगे और उनमें से आपको करेक्ट वन चूज़ करनी है. ये टाइप डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जब ये आती है सेक्शन फोर में. टू में काफ़ी ईजी रहती है, तकरीबन सेम ही वर्ड यूज़ करते हैं जो ऑप्शन में रहते हैं. वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहूँगा मैं, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि सेक्शन फोर में आते आते इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं. यहाँ पे ज़्यादातर होता क्या है कि जो स्टेटमेंट होती है उसके बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स है वो अपनी स्पीच में यूज़ करते हैं, बिल्कुल ही टर्न अराउंड कर देते हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स को यूज़ करते हैं, जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि वो कौन सी ऑप्शन को आंसर लगाएं. इसके लिए चूज़ किया गया है बुक नंबर 8 को कैम्ब्रिज की. एज यूजुअल सेक्शन रहेगा 4 और टेस्ट रहेगा 2. इसमें 37 to 44 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है. ये क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू एन इंटरव्यू. शौना एक लड़की जो एक सर्वे कर रही थी, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह कर रही थी, और उसको इस सर्वे के लिए अलग अलग लोगों को इंटरव्यू करना पड़ा. उसने 4 लोगों को कंसिडर किया इसमें, और चारों के साथ हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है कि उसका उस बंदे के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो दोस्तों, एक बार फिर से इमोशंस का ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर इमोशंस से ज़्यादा काम करेंगे कीवर्ड. आप अपनी लैंग्वेज को सिंपल बना के रखें, आप कोशिश करें कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखें, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट वे से प्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट को. बट आप बेसिक्स तक रहें, रीड पहले ही कर लें. हर एक स्टेटमेंट को आपको पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है. हर एक ऑप्शन में देखें कि कौन सा इम्पॉर्टेंट वर्ड है. जब वो कीवर्ड्स हाइलाइटेड रहेंगे तो क्लिप में आपको सुनते सार ही लगेगा कि शायद ये आंसर होगा. एनीवे, बेस्ट तो यही है कि आप पूरी उसकी क्लिप को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद ही जज करके अपना आंसर लगाएं. बट एज ए सेट कि मेरे ये वीडियोस टारगेट करते हैं उन बच्चों को जो 5 या 7 के इन बिटवीन रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाते हैं. तो यहाँ पर बेस्ट यही है कि आप कुछ वर्ड्स या कुछ कीवर्ड्स को ही फॉलो करो, ताकि उनके बेसिस पर अगर आप जजमेंट से भी आंसर लगाओ तो काफ़ी हद तक आप आंसर ठीक कर पाओ. तो अब मैं इस वीडियो में आपको नज़र नहीं आऊँगा, आपके साथ क्लिप चलते रहेंगे, सुनते रहना साथ साथ ऑडियो, और साथ साथ टेस्ट करने की कोशिश भी करना. मैं आपके साथ हर एक क्वेश्चन को हैंडल करूँगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी दूँगा और उसका आइडिया भी दूँगा. तो कंटिन्यू. तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन 5 क्वेश्चंस को. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही रहती है कि दोस्तों के आपने जो टाइम मिला था उसमें इन क्वेश्चंस को कितनी अच्छी तरह से देखा. अगर आपको सारी ऑप्शंस आपके माइंड में क्लियर हैं तो आपको करने में ये इजी रहेगा. जैसे आपको करना क्या चाहिए, जो आपको रीड अहेड के लिए टाइम मिला था, आपको उस टाइम में ए से एफ तक जितनी भी ऑप्शंस हैं उनमें से की जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना चाहिए, जैसे फॉल्स डेटा. और अपने माइंड में कुछ सिनोनिम्स भी रखने चाहिए, जैसे फॉल्स डेटा के लिए वो रॉन्ग डेटा या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी कह सकती है. डिसाइडेड टू स्टॉप पार्टिसिपेटिंग, मतलब अवॉइड या उन्होंने मना कर दिया पार्टिसिपेट करने से. रिफ्यूज टू टेल शौना अबाउट देयर जॉब, मतलब उनको शायद हो सकता था उसने जॉब के रिलेटेड कोई पर्सनल क्वेश्चन किया हो, तो शौना को उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया. कैप चेंजिंग देयर माइंड अबाउट पार्टिसिपेटिंग, मतलब ये है कि पार्टिसिपेट करना है नहीं करना, करना है नहीं है, तो इसको बोलते हैं कीप ऑन चेंजिंग माइंड, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. नेक्स्ट है बिकेम वेरी एंग्री विद शौना, गुस्से की बात हो रही है ऑब्वियसली. वॉज वर्ड अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो प्लीज़ याद रखिए, आइल्स में ही आपको बार बार इनकाउंटर हो सकता है, इसका मतलब है प्राइवेसी.
राइट. सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि उनको डर था कि इस सर्वे में पार्टिसिपेट करने के बाद उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज ना हो जाए. तो ऑब्वियसली यहाँ पे 37 to 40 क्वेश्चंस रीड करने का इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक एक करके जैसे वो कहेगी, मैंने जब स्ट्रीट पर इंटरव्यू की तो आइडिया हो जाएगी कि स्ट्रीट की बात हो रही है. अभी सारे का सारा आप ध्यान रखोगे उसकी टॉक में आए कीवर्ड के ऊपर कि ऐसा उसने क्या बोला कि जिससे मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ में से कौन सा लगाना चाहिए. तो अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है और अभी इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी. आप अपना ध्यान से सुनते रहिए और अपना आंसर लगाने की कोशिश करिए. अपने पास पेंसिल और पेन रखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है और क्यों है. I thought you might also be interested in some of the problems I encountered in collecting my data. There were odd cases that threw me. One of the subjects, who I had approached while he was out shopping in town, decided to pull out when it came to the second round. It was a shame, as it was someone who I would like to have interviewed more closely. And one of the first-year students I... ध्यान से नोटिस करो, जैसे ही उसने वन ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की बात की, इसका मतलब वो क्वेश्चन नंबर 38 पे चली गई है. इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान मैंने आपको पिछले वीडियो में भी रखने को कहा था कि इससे ये क्लियर हो जाए आपको कि ये क्वेश्चन के लिए जितना उसने बोलना था वो बोल चुकी है, तो मेरे को अपना आंसर अभी फाइनल करना पड़ेगा. तो पर्सन को उसने स्ट्रीट पर कहने की बजाय उसने कह दिया कि एक लड़का जो शॉपिंग करने आया हुआ था तो मैंने उसको इंटरव्यू किया. तो कुछ पता चला आपको क्या हो गया आंसर? या डिफ़िकल्ट है ना, ट्रिकी है. सो लास्ट सेक्शन वैसे ही डिफ़िकल्ट माना जाता है क्योंकि सीधी बात तो करते नहीं है, घूम घुमा कर करते हैं. यहाँ पर इसने वर्ड चूज़ किया डिसाइडेड टू पुल ऑफ. जी हाँ, उसने स्टेप बैक कर लिया, मतलब बड़े आराम से पार्टिसिपेट कर रहा था. जैसे ही राउंड टू स्टार्ट हुआ तो वो उसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. तो वो कहती है वो सच अ शेम. तो सही आंसर जाएगा यहाँ पे बी. मूव ऑन करते हैं. अभी उसने अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात करनी है, तो इस हिसाब से आप सुनेंगे. एंड वन ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आई इंटरव्यूड वांटेड रीअश्योरेंस दैट नो नेम्स वुड बी ट्रेसेबल फ्रॉम द आंसर्स. I was so surprised, because they think nothing of telling you about themselves and their opinions in seminar groups. तो क्या कैच हुआ से इसमें कुछ भी? कुछ name word use किया था उसने? हाँ, very good. Name और उसके साथ word use किया कि traceable, trace करना किसी को, पीछा करना. तो यहाँ पे कुछ आइडिया हो गया कि क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, F is the correct answer, क्योंकि उसने कहा कि वो चाहते थे री एश्योरेंस. गाइज, ये भी आइल्स एकेडमिक का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा याद रखो कि एश्योरेंस या री एश्योरेंस, किसी को यकीन दिलवाना. और यहाँ पे वो चाहता था कि इस बात का ध्यान रहे कि उसका नेम ना किसी को पता चल जाए. सो इसका मतलब वो बंदा अपनी प्राइवेसी से कंसर्न था. सो एफ इज़ दी करेक्ट आंसर. हम आगे चलते हैं. और कलीग इन हर डिपार्टमेंट, तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ यही जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप कितनी छोटी सी पिक और कितनी छोटी सी आइडिया से भी इन आंसर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं. अदरवाइज़ जो 8 or 9 बैंड स्टूडेंट हैं वो तो ऑब्वियसली पूरे की पूरी स्टेटमेंट को सुनकर समझकर वो तो आइडिया लगा ही लेंगे. अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं टिप्स और ट्रिक्स की. जितना शॉर्ट हो सके उतने में से हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे. अब कलीग इन हर डिपार्टमेंट, अब ऑफिस की बात होने वाली है. सो ऑफिस के रिलेटेड हमारे पास एक ऑप्शन भी थी जो थी सी. तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है कि ये आंसर हो सकती है. बट एट द सेम टाइम मैंने बताया हुआ है आपको ट्रैप्स के बारे में. ये ट्रैप भी हो सकता है कि आपको सुनने में ऐसा लगे कि शायद ये आंसर है लेकिन एक्चुअली हो ना. चलाता हूँ वीडियो. Then one of the people that I worked with got a bit funny. The questions were quite personal, and one minute he said he'd do it, then the next day he wouldn't, and in the end he did do it. It's hard not to get angry in that situation, but I tried to keep focused on the overall picture in order to stay calm.
The most bizarre case was a telephone interview I did with a teacher at a university in France. Look, teacher in university at France ki baat aa gayi, iska matlab ki wo foreign tutor ki baat kar raha hai. Next question ki baat shuru hone wali hai, to hume decide karna hai hamara answer kya hai. Ab dekhiye, main kehta hu ki inme sabhi mein se ye difficult question hoga abhi tak ka, kyunki usne teen cheeze use ki hai isme. Angry, jo aapko ई आंसर सोचने के बारे में कह सकता है. उसने वर्ड यूज़ किया था पर्सनल, जो आपको शायद कहे कि पर्सनल तो कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है, तो एफ़ इसका आंसर हो सकता है. लेकिन यहाँ पे आंसर इसका क्या है? जी हाँ, कुछ बच्चों का ज़रूर ठीक हुआ है और ये करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि उसने कहा कि एक जो उसके साथ ही पहले काम करती थी, उस बंदी ने पहले दिन कहा कि वो इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट दिन उसने कहा कि नहीं, एंड फाइनली शी एंडेड अप इन सेइंग यस, मतलब कि आखिर फिर उसने वो कर भी दिया. यहाँ पे क्या हो रहा है? शी केप्ट ऑन चेंजिंग माइंड, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना. सो डी वुड बी दी करेक्ट आंसर. सो लास्ट क्वेश्चन जो है फॉरेन ट्यूटर के लिए. The most bizarre case was a telephone interview I did with a teacher at a university in France. He answered all my questions in great detail, but then when I asked how much access he had to dangerous substances, he wouldn't tell me exactly what his work involved. It was a real eye-opener. हाँ जी, तो last question का answer आपने क्या लगाया दोस्तों? तो मुश्किल था मुझे पता है, क्योंकि सबसे पहले उसने एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया बिज़ार, बी ए जे ए आर आर ई. बिज़ार का मतलब होता है बहुत ही अजीब. उसने कहा कि बड़ा अजीब सी उसने बात की. वो कहती है कि पहले तो वो ग्रेट डिटेल, मतलब जो भी मैं पूछ रही थी डिटेल में वो जवाब दे रही थी. जैसे ही मैंने उसको वर्क से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर बात करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि He would not tell me exactly what his work involved. मतलब उसने उसको बताने से मना कर दिया अपने काम के बारे में. सो यहाँ पे stop, work, ये दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ही बनते हैं आपके लिए, जो ईजिली ट्रेसेबल हैं. अगर आप चाहो तो इनको कंसिडर करते हुए करेक्ट आंसर्स के पास पहुँच सकते हो. और करेक्ट आंसर है सी, येस, शी रिफ्यूज टू टेल शोना अबाउट जॉब. सो आज का वीडियो यहीं तक है, क्योंकि इसमें इन चार क्वेश्चंस को ही मैंने हैंडल करना था जो थे कि सेंटेंस कंप्लीशन के. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और ऐसे और भी अगर क्वेश्चंस आपके पास हैं और डाउटफुल हैं तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू. मैं कुछ और वीडियोस के साथ आपको जल्दी ही मिलता रहूँगा ऑन लिसनिंग एज वेल एज़ ऑन अदर मॉड्यूल्स ऑफ आइल्स. और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. मैं आपका रमनदीप सिंह आपको कहता हूँ बाय. Thank you.